मुरली अमृत की धारा है धारा, गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 5 अगस्त 2024। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने सेवा के लिए कहा। कल के अव्यक्त मुरली में बाबा ने स्मृति स्वरूप का प्रमाण बताया समर्थी स्वरूप। आज बाबा ने ऑनेस्ट आत्मा का प्रमाण बताया कि तुम बच्चों में ऑनेस्ट वह हैं जो सारे विश्व की यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए, सेवा का विस्तार करे, आराम पसंद न हो। एक सेंटर खोला, आप समान बनाया और दूसरे स्थान पर भागे, एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना है। और साथ में कहा कि बाबा के यज्ञ की घर की कोई भी सेवा करते हुए कभी भी देह अभिमान न आए। बाबा कहते हैं ऐसी सेवा करनी चाहिए जो जिनकी सेवा करे वह लिखे, बाबा फलानी आत्मा ने हमको समझाया, हमारी तो जीवन बन गई। तो ऐसे सर्विस का सबूत मिलना चाहिए। बाबा को ऐसे सर्विसेबल फूल चाहिए जो सेवा के लिए भागते रहे। फिर बाबा ने सबसे बड़ी गीता पाठशाला बताई कि जिसमें बाप आकर रहते हैं, पढ़ाते हैं, इसका नाम मधुबन रखा है। मधुबन में सदैव भगवान की मुरली बजती रहती है। निराकार भगवान साकार ब्रह्मा द्वारा आकर पढ़ाते हैं, जिनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। फिर कहा कि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा विश्व में शांति के राज्य की व आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। उसका उद्घाटन अभी हो चुका है, जिसके ब्रांचेस सेंटर सारे विश्व में खुल रहे हैं। फिर विशेष कहा कि मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की यह बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। सारे विश्व में बेहद का बाप एक ही है जो विश्वविद्यालय खोलते हैं, जहां से सारे विश्व की आत्माओं को गति सदगति मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद न हो। आज मुरली से प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं, बिना ब्रह्मा के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वह शूद्र ठहरे, शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, दादा के द्वारा बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर लिया है, अब यह शाखाएं अथवा ब्रांचेज निकलती रहती हैं। पाठशालाएं बहुत चाहिए ना, एक तो है यह पाठशाला जिसमें बाप रहते हैं, इनका नाम रखा है मधुबन। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है। किसकी? बाबा कहते किसकी मुरली बजती है? भगवान की। अब भगवान तो है निराकार, मुरली बजाते हैं साकार रथ द्वारा, उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। यह तो कोई भी समझ सकते हैं। बाबा कहते यह तो समझ की बात है कि निराकार कैसे पढ़ाएंगे, जरूर उनको साकार शरीर का आधार चाहिए। इसमें ब्रह्मा बाप में शिव बाबा प्रवेश करते हैं, यह तो तुम बच्चे ही समझते हो, और तो कोई न रचना को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ बड़े आदमी गवर्नर आदि हैं तो उनसे उद्घाटन कराते हैं। यह भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिनसे उद्घाटन कराते हो उनको पहले परिचय देना है। बाप कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं, उनकी यह ब्रांचेस खुल रही हैं, कोई न कोई से खुलवाते हैं ताकि उनका कल्याण हो जाए। कुछ समझे कि बरोबर बाप आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, विश्व में शांति के राज्य की व आदि सनातन देवी देवता धर्म की। तो बाबा कहते हैं बड़ों बड़ों का भी कल्याण करने के लिए बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते हैं, प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन करने के लिए, जिससे वह भी कुछ समझ के जाए। उसका उद्घाटन तो हो चुका है।
बाबा कहते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म का और नई विश्व का तो उद्घाटन हो चुका है, जो स्वयं भगवान शिव बाबा करते हैं। अभी यह ब्रांचेस खुल रही हैं, जैसे कि बैंक की ब्रांच खुलती जाती है। बाप को ही आकर नॉलेज देनी है। यह नॉलेज परमपिता परमात्मा में ही रहती है, इसलिए उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। रूहानी बाप में ही रूहानी ज्ञान है, जो आकर रूह को देते हैं, समझाते हैं, हे बच्चे, हे आत्माएं, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा नाम तो कॉमन है, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। तो आत्माओं को परमपिता परमात्मा बाप भी समझा रहे हैं। बाप क्यों आएंगे? बाबा कहते हैं, मैं आकर समझाता हूँ कि मैं क्यों आता हूँ और आकर क्या करता हूँ। जरूर बच्चों को वर्षा देने लिए, फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है। नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्यों की ही है। बाबा कहते हैं, नई व पुरानी दुनिया होती है मनुष्यों की ही। नई दुनिया में देवी गुण वाले मनुष्य रहते हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है, और पुरानी दुनिया में साधारण मनुष्य होते हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ नई दुनिया रचने। बिगर मनुष्यों के तो दुनिया होती नहीं। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जिनकी अब फिर से स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने आया हूँ। तुम यह सुना सकते हो कि बाप ऐसे समझाते हैं। बाबा कहते हैं, जो बाबा समझाते हैं, तुम फिर ऐसे ही दूसरों को समझा सकते हो कि शिव बाबा ने ऐसे कहा है। तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो? अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित विकारी है, सो अब निर्विकारी बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। पाप कब से शुरू होते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, पाप कब से शुरू होते हैं? द्वापर कलयुग से। बाप कितने वर्षों के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं? बाबा ने दो प्रश्न पूछा कि पाप आत्मा कब बनते हैं और पुण्य आत्मा कितने वर्षों तक रहते हैं। यह भी तुम बच्चे अभी जानते हो। 21 जन्म तुम पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। जहाँ पाप होता है वहाँ दुख ही होगा। पाप कौन से हैं? बाबा कहते हैं, पाप कौन से करते हैं वह भी बाप बतलाते हैं। एक तो तुम धर्म की ग्लानी करते हो, कितने तुम पतित बन गए हो, मुझे बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ, सो अब मैं आया हूँ। पावन बनाने वाले बाप को तुम गाली देते, ग्लानी करते हो, इसलिए तुम पाप आत्मा बन पड़े हो। कहते भी हैं, हे प्रभु, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, आकर पावन बनाओ। तो बाप समझाते हैं कि जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए हैं, उनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। बाबा, बहुत जन्म किसको कहते हैं? बच्चे, 84 जन्मों को। बाबा कहते हैं, बहुत जन्म का भावार्थ क्या है? जिनके पूरे 84 जन्म हैं, जो पहले पहले आए हैं वही 84 जन्म लेते हैं। पहले तो वही लक्ष्मी नारायण आते हैं। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी सत्य नारायण की सुनाते हैं। कब राम सीता बनने की कथा सुनाई है किसी ने? उसकी ग्लानी की हुई है। बाप बनाते हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं, हमेशा सत्य नारायण की कथा क्यों सुनते सुनाते हैं? क्योंकि उनकी कभी किसी ने ग्लानी नहीं की है, क्योंकि वह सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हैं। बाप कहते हैं, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विष्णु के दो रूप यह लक्ष्मी नारायण है, छोटेपन में राधे कृष्ण है। यह कोई भाई बहन नहीं, अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। वह महाराज कुमार, वह महाराज कुमारी, जिनको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। यह सब बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। कल्प पहले यह सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होंगी, उनकी ही बुद्धि में बैठेंगी। इन लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि सबके मंदिर हैं। विष्णु का भी मंदिर है, जिनको नर नारायण का मंदिर कहते हैं। बाबा कहते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर को क्या कहते हैं? नर नारायण का मंदिर, अर्थात जो नर से नारायण बनने वाली आत्मा है उनका मंदिर। और फिर लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर भी है। ब्रह्मा का भी मंदिर है, ब्रह्मा देवताई नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माई नमः।
वह तो अलग हो गया ना, देवताओं को कभी भगवान थोड़े ही कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं, पहले जिससे उद्घाटन कराना है उनको समझाना है, विश्व में शांति स्थापन अर्थ भगवान ने फाउंडेशन लगाया है, विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी ना। बाबा कहते ऐसे ऐसे समझाना है कि विश्व में शांति कब थी, लक्ष्मी नारायण के राज्य में, जो अब बाबा फिर से वह फाउंडेशन लगाने आए हैं, अर्थात उसकी स्थापना करने आए हैं। यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे ना, तो मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की यह बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय तो बहुतों ने नाम रखे हैं, वास्तव में यह कोई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है नहीं। यूनिवर्स तो सारी विश्व हो गई, सारे विश्व में बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं। तुम जानते हो विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल यह एक ही है जो बाप स्थापन करते हैं। हम सारे विश्व को शांति धाम सुखधाम में ले जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बाबा ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय व वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का भावार्थ बताया कि जहाँ से सारी विश्व की आत्माओं को सुखधाम और शांति धाम ले जाने का रास्ता बताया जाता है। ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। कहाँ बाप की बातें, कहाँ यह सब कहते रहते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना, यह तो बाप का ही काम है। बाबा कहते हैं यूनिवर्स अर्थात सारी विश्व को परिवर्तन करना, यह तो बाप का ही काम है। हमको यह नाम रखने नहीं देते और गवर्नमेंट खुद रखती है। बाबा उल्हाना दे रहे हैं कि सारे यूनिवर्स को परिवर्तन करना, मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का कार्य तो स्वयं भगवान आकर करते हैं और उनको ही यूनिवर्सिटी नाम रखने नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं तो फिर यह तुम बच्चों को जाके समझाना है, वह भी पहले तो नहीं समझाएंगे। बोलो हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारिया, इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ता है जब बाप ने आकर रथ बनाया है, अर्थात उनमें प्रवेश किया है। प्रजापिता नाम तो मशहूर है ना, वह आया कहाँ से, उनके बाप का नाम क्या है। ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना, देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा ही होगा। यह है रचना, ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना। उनका बाप है शिव बाबा, वह कहते हैं मैं इनमें ब्रह्मा में प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूँ। तो बच्चों को समझाना है यह है ईश्वरीय म्यूजियम। बाप कहते हैं मुझे बुलाते ही है, हे पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। अब हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। बाबा कहते हैं तुमने मुझे बुलाया है कि हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को, आत्माओं को कहता हूँ कि पावन तभी बनेंगे जब तुम मुझ एक बाप को याद करेंगे। मन मनाभव अक्षर यह तो गीता के ही है, भगवान एक ही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो न सके, यह पतित दुनिया में आ न सके, पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आएंगे। अब मुझ बाप को याद करो तो पाप भस्म होंगे, कितनी सहज बात है। बाबा कहते कितनी सहज सीधी बात है, भगवान वाच अक्षर जरूर कहना है। परमपिता परमात्मा कहते हैं काम महाशत्रु है, पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है, दुख ही दुख है, निर्विकारी होंगे तो फिर सुख ही सुख होगा। तो यह समझाना है, बाबा कहते ऐसे ऐसे समझाना है, विकारी दुनिया किसको और निर्विकारी दुनिया किसको कहा जाता है, सुख कहाँ होता है और दुख कहाँ होता है। भगवान वाच काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। एक बाप को याद करो, हम भी उनको याद करते हैं, जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उनका भी उद्घाटन कराते हैं ना। यह भी कॉलेज है, ढेर सेंटर्स है, सेंटर में टीचर्स मुकरर है, टीचर को भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियाँ अर्थात टीचर्स को रखते हैं, इसलिए कि जल्दी जल्दी आप समान बनाकर फिर और सेंटर पर भागना चाहिए सर्विस को उठाने लिए। बाबा कहते टीचर्स को निमित्त किस लिए बनाया है, सेवा को बढ़ाने के लिए।
देखेंगे कौन कौन ठीक रीति मुरली पढ़कर सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, तो उनको कहेंगे अब तुम यहाँ बैठ क्लास चलाओ। ऐसे ट्रायल कराकर उनको बिठाकर चला जाना चाहिए और जगह सेंटर जमाने। बाबा कहते ऐसे ऐसे लायक बनाकर, आप समान बनाकर दूसरों को सेंटर के निमित्त बनाई, आगे आगे और सेवा जमानी चाहिए। ब्राह्मण यो का काम है एक सेंटर जमाना, फिर जाकर और सेंटर जमावे। एक एक टीचर को 10-20 सेंटर स्थापन करने चाहिए, बहुत सर्विस करनी चाहिए। दुकान खोलते जाए अर्थात सेंटर खोलते जाए, आप समान बनाकर कोई को छोड़ते जाए। दिल में आना चाहिए कोई को आप समान बनाकर तैयार करूं तो और सेंटर खुले। बाबा सेवा की वृद्धि की विधि बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे आप समान बनाकर अनेक सेंटर खोलते जाए। एक सेंटर खोला, आप समान बनाया, फिर दूसरे स्थापन कर सेवा की। एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, किसी को समझा नहीं सकते हो तो और काम करो, उसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं तो बड़े घर की हूँ, यह काम कैसे करूँ, हमको दर्द होगा, थोड़ा भी काम करने से हड्डियाँ दुखेंगी। इसको देह अभिमान कहा जाता है, कुछ भी समझते नहीं है। औरों की सर्विस करनी चाहिए ना, अर्थात बाबा कहते हैं सेवा माना सेवा, कोई भी प्रकार की सेवा जरूर करनी है। कुछ भी समझाते नहीं तो औरों की सेवा करनी चाहिए ना, जो फिर वह भी लिखे, जो फिर लिखे कि बाबा फलानी ने हमको समझाया, हमारी जीवन बना दी, सर्विस का सबूत मिलना चाहिए। बाबा ने पहले सेवा और सेवा की वृद्धि की विधि बताई, फिर बाबा सेवा का प्रमाण मांगते हैं कि सेवा करने का भावार्थ है कि दूसरा कोई लिखे और माने समझे कि हमारे जीवन इनके द्वारा परिवर्तन हुई है, हमारा जीवन सुखी बन गया है, सर्विस का सबूत मिलना चाहिए। एक एक टीचर बनना चाहिए, फिर खुद ही लिखे बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं, हमने बहुत आप समान बनाए हैं, हम सेंटर खोलते जाए। ऐसे बच्चों को कहेंगे फूल, सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे, फूलों का भी बगीचा है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा सुंदर गुणवान खुशबूदार फूल बनना है, सर्विसेबल बनना है, तो उद्घाटन करने वाले को भी समझाना चाहिए। बाबा ने फिर शुरुआत की पॉइंट पर ले आए कि दूसरों की सेवा करने के लिए VIP को बुलाना चाहिए, फिर उनको समझाना है हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं, बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। इस समय तो सब शूद्र वर्ण के हैं, सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। बाप जानते हैं कितना पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं, पहले पहले ब्राह्मण वर्ण प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा कहाँ से आए। बाबा कहते ब्रह्मा भी कहाँ से आए, जो बाबा ने शुरू में बताया ना कि ब्रह्मा है शिव बाबा की पहली पहली रचना, तो उनका पिता हो गया शिव बाबा। यह ब्रह्मा बैठा है ना, अच्छी रीति समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी, ब्राह्मणों की, फिर उन्हों को शिक्षा दे देवता बनाते हैं। बाबा ने पूरी विधि बताई कि पहले ब्रह्मा की रचना होती है शिव बाबा के द्वारा, फिर ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की रचना होती है, और उन रचना को शिव बाबा आकर शिक्षा देते हैं मनुष्य से देवता बनने की। हम बाप से पढ़ रहे हैं, उन्होंने भगवान उवाच तो लिख दिया है अर्जुन प्रति, अब अर्जुन कौन था किसको पता नहीं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं, अगर कोई कहते हैं हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कनेक्शन नहीं, तो फिर देवता वह कैसे बनेंगे, ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे ना। शिव बाबा ने तुमको कैसे किस द्वारा कहा मुझे याद करो, ब्रह्मा द्वारा कहा ना, प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना, अर्थात बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के बने बिना शिव बाबा के कैसे बन सकते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा है बीच में, ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बन सकेंगे। बाबा कहे मैं जिस रथ में आता हूँ उनको भी जानना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा नहीं कहेंगे तो बच्चा कैसे ठहरा, ब्राह्मण अपने को नहीं समझते तो गोया शूद्र है, शूद्र से फट देवता बने मुश्किल है।
इसलिए बाबा कहते हैं, शूद्र से देवता यह गायन नहीं है, ब्राह्मण सो देवता यह गायन है। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने बिगर देवता बन कैसे सकेंगे, इसमें मूंझने की भी दरकार नहीं। तो उद्घाटन कराने वालों को भी समझाना है कि बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है। आपको भी बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, यह बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं, बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं, अब करो न करो तुम्हारी मर्जी, हम पैगाम देकर जाते हैं और कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं है। जब फुर्सत मिले सर्विस करो, समय तो बहुत मिलता है। आज की सारी मुरली में बाबा ने विशेष सेवा के लिए कहा, VIPs की भी सेवा करनी है और अन्य आत्माओं की भी सेवा करने के लिए अनेक सारे सेंटर खोलने हैं और जब भी फुर्सत मिले तो सेवा करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खोलते जाना है, एक जगह पर बैठना नहीं है। दूसरा, फूलों का बगीचा तैयार करना है, हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में देह अभिमान न आए। आज बाबा ने वरदान दिया, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। स्पष्टीकरण है, अगर कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारा नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं, यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। आज बाबा ने प्रकृति जीत बनने का भावार्थ बताया कि प्रकृति में क्या रहता है, 5 तत्व रहते हैं और प्रकृति के अनेक सारे साधन हैं। तो यह प्रकृति के कोई भी साधन हमें अपनी तरफ अगर आकर्षित करते हैं तो समझो आसक्ति है, और आसक्ति का मूल क्या है, इच्छाएं। तो इच्छा ही धीरे धीरे आसक्ति का रूप ले लेती है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं को चेक करना है कि हमें कोई भी महीन रूप से प्रकृति के पदार्थ अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करते हैं, तभी प्रकृति जीत बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, मेरे मेरे के जमेलों को छोड़ बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के जमेलों को छोड़ बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। आज 5 अगस्त का अव्यक्त इशारा है, इशारे का लक्ष्य है विजय रतन बनना है, तो सदा परमात्मा से प्रीत बुद्धि बनो। आज बाबा ने कहा, प्रीत बुद्धि वालों के मुख से उनके दिल से सदैव यही बोल निकलेंगे, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं, तुम ही से सर्व प्राप्ति करूं। उनके नयन उनका मुख न बोलते हुए भी बोलता है, तो चेक करो, ऐसे विनाश काले प्रीत बुद्धि बने हैं, अर्थात एक ही लगन में एक रस स्थिति वाले बने हैं। आज बाबा ने फिर चेकिंग करने के लिए कहा कि क्या हम ऐसे प्रीत बुद्धि बने हैं कि एक बाबा दूसरा ना कोई, हर कार्य एक बाबा संग करने वाले, ऐसे विनाश काले प्रीत बुद्धि बने हैं। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।